यदि आप मैथ्स का टीचर हो तो आपको एक प्रॉब्लम को अधिकतर फेस करना पड़ता होगा, ठीक है, वो है मैथ्स के क्वेश्चंस को टाइप करना। तो देखिए, जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको टाइप करना कुछ हार्ड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेशन का क्वेश्चन होता है, जैसे अलजेब्रा का हो गया, ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशंस हो गए, उनको टाइप करना थोड़ा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप विद इन सेकेंड क्वेश्चंस को इजीली टाइप कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से पीडीएफ बना करके यूज करना है पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशनल चैनल से रिलेटेड मैं इस चैनल पे हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाकर के उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं डायरेक्ट आपको उस एप्लीकेशन के बारे में ट्यूटोरियल बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चंस को टाइप करने का दो तरीका है। सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं, आप चाहे तो कीबोर्ड का यूज करके कर सकते हैं और कैमरा का यूज करके भी कर सकते हैं। देखिए, कैमरा का यूज करके यदि आप करते हैं तो विद इन सेकेंड यानी 2 से 3 सेकेंड में आपका क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि स्कैन नहीं कर पाया, तो देखिए उसके लिए आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड में आपका क्या क्या दिया गया है, ठीक है, तो सारा कुछ यहां पर है जो आपको एक अलजेब्रा के क्वेश्चन और ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस के लिए चाहिए, ठीक है। ये तो इतना है ही, लेकिन जैसे आप राइट स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, स्लाइड करेंगे तो आपके सामने और आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर, तो और देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी सिंबल्स होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सारा कुछ यहाँ है, थीटा है, पाई है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इनका यूज करके बताता हूँ कैसे आपको इनका यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, एक्स वाई जेड, ये आप समझ रहे हैं। तो देखिए, ये वाला जो हमारा है, इसे आप बेसिकली समझ लीजिए, जब भी आपको स्क्वायर देना होगा क्वेश्चन में तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स आप लिखेंगे, ठीक है, और जैसे ही आप इसमें एक बार क्लिक करेंगे, समझ लीजिए इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्क्वायर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आप लिख सकते हैं, वन बाई एक्स आपको लिखना है तो वन पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए, अब आपको क्या करना है, वन बाई एक्स यानी बट्टा का यूज करना है। तो बट्टा का यूज करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका बट्टा है, सिंपली आप इसमें क्लिक कर देंगे, चूंकि हमें ऊपर वाला बॉक्स में पहले लिखना होगा, ठीक है, तो हम ऊपर वाले बॉक्स में पहले क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करके हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। नीचे अब हमको क्या लिखना है, एक्स लिखना है। तो देखिए, जिस बॉक्स में आपको लिखना होगा सिंपली आप उस बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, आपका लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको टाइप कैसे करना है। उसी तरह से देखिए, एक और आपका हो सकता है कि पावर के ऊपर पावर कैसे देना है, ठीक है। जैसे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स को पहले आप लिखेंगे, फिर आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए, यदि आपको पावर के ऊपर भी पावर देना पड़े तो आप इसका यूज, देखिए जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पावर के ऊपर पावर, आपको कितना लिखना, दो लिखना है, दो लिख सकते हैं। फिर से यदि आपको पावर के ऊपर पावर देना है तो फिर से आप यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए, फिर से आपका एक बॉक्स आ गया और यहां पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, चार लिखना चाहते हैं, पांच लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। देखिए, रूट का यूज करने के लिए नीचे आपको रूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसका भी डेमो आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, रूट में क्लिक करने के बाद आपको रूट के अंदर में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कई बार ऐसा होगा कि रूट के बाहर लिखने की जरूरत पड़ेगा तो रूट के बाहर लिखने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए रूट के बाहर एक बॉक्स है और एक अंदर में बॉक्स है। बाहर में लिखने के लिए आप बाहर वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और वहां पर जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। मैं कुछ भी आपको लिख करके दिखा देता हूं, बाहर अंदर दोनों साइड, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। और देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस को टाइप करने के लिए आपको स्लाइड करना होगा। देखिए, यहां पर आपका साइन है, थीटा देना है, आप थीटा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, जो भी आप यहां से टाइप करना चाहे कर सकते। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको स्कैन करके यानी कैमरा का यूज करके कैसे आपको क्वेश्चंस को टाइप करना है। तो देखिए, ऊपर में कैमरा का आइकन है, यहां पर देखिए, तो सिंपली आपको अपने कैमरा के आइकन में क्लिक करना है, ठीक है। कैमरा के आइकन में क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपका जो आपका बैक कैमरा है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन को आपको टाइप करना है, ठीक है, आपको इस फ्रेम के अंदर में लाना है। देखिए, अच्छे से क्रॉप कीजिएगा, अगल बगल का कुछ भी आइकन्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आपका ये फिक्स हो जाए तो आपको सिंपली क्या कर देना है, बिल्कुल सही, इसका एक फोटो क्लिक कर लेना है। तो देखिए, जैसे हमने फोटो क्लिक किया, ये थोड़ा टाइम लेगा,
और देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है, ठीक है। ऊपर इसका यूज कैसे करना मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूं। तो देखिए अब मान लीजिए हमें दूसरा क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को टाइप करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो फिर से आपको वही काम करना है, सिंपली स्कैन करना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन को टाइप करना है, तो सिंपली आप इसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए और एक से दो सेकंड का टाइम लेगा और आपके सामने देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और खुशी की बात तो यह है कि ये आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आपने किसी भी क्वेश्चन को स्कैन करा और इसका आपने आपने क्वेश्चन को टाइप कर चुका है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सिंपली आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका एक ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, देखिए आप जिस भी ऐप से अपना पीडीएफ बनाते होंगे उसे ओपन करना है। मैं बनाता हूँ एमएस वर्ड से पीडीएफ कैसे बनाना है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेस्ट पीडीएफ बनता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए आप अपने पीडीएफ को ओपन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपने पीडीएफ को लगाना है, उसके लिए हम करेंगे क्या, तो देखिए आपको नीचे आना है, ठीक है। और देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। नीचे एक सेकेंड, यहाँ पर नीचे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जिसने आप नीचे क्लिक करेंगे आपको होम में क्लिक करना है, देन आपको इंसर्ट में क्लिक करना होगा, ठीक है। और नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पिक्चर्स का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, पिक्चर्स में क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, फोटोज में क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन आपको इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है, तो क्रॉप का देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, रोटेट का है, डिलीट का है, ठीक है। तो हमें क्रॉप करना है, यहाँ से हम इसे अच्छे से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आप सिंपली नीचे कन्फर्म में क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन आपको डन में क्लिक कर देना है। जैसे आपने डन में क्लिक करा आप इसे जहाँ चाहे आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीडीएफ तैयार हो गया। अब हमें पढ़ाना होगा तो यहाँ से हम इजीली पढ़ा सकते हैं विद इन सेकेंड, देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा।